जय जिनेन्द्र, मैं आदित्य, मैं आप सबको पद्मावती माँ का एक मंत्र देने जा रहा हूँ जो काफ़ी प्रभावकारी और अतिशयकारी है। मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैं खुद के ऊपर ट्राई करता हूँ पहले, और मुझे लगता है कि हाँ तो मैं सबको बताता हूँ, और फिर सब लोग मुझे बोलते हैं कि आदित्य भाई आपको वीडियो डालनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। मैं आपको धर्मेंद्र देव पद्मावती माता का जो मंत्र दे रहा हूँ, आपको उसको बड़ी श्रद्धा से जाप करना है। श्रद्धा ही सही सब कुछ होगा। इस मंत्र से अगर मान सम्मान बढ़ाना है या आपको व्यापार बढ़ाना है, अगर आपके दुख वाले दिन चल रहे हैं तो आपको ये मंत्र जरूर जपना चाहिए। दिन में 9 बार अगर आप जपते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको मंत्र देने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले नवकार मंत्र बोलना है। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवजायाणम्, नमो लोए सवसाऊणम्। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः, नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः, नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः, नमो नमः। आपको ये मंत्र जब आप जाप कर ले तब एक छोटा सा काम करिए, आपको एक त्याग लेना है। कोई सा भी छोटा सा त्याग लो, ऐसे बोल दीजिए जैसे कि मैं आज के दिन चाय नहीं पीऊँगा, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज के दिन मैं किसी जीव को नहीं मारूँगा या परेशान नहीं करूँगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भगवान आज के दिन मैं ये त्याग लेता हूँ कि जमीन से नीचे देख के चलूँगा, वो भी बड़े ध्यान से, ताकि कोई जीव की हिंसा ना हो जाए। एक बार आप मेरी बात मान के देखिए, आपको एक छोटा सा त्याग लेना है, कोई सा भी, चाहे 5 मिनट का क्यों ना हो, त्याग बहुत बड़ी चीज़ है। आप सबको ये मंत्र जाप करना है रोज़, वो भी बड़ी श्रद्धा से जाप करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको इस मंत्र का कभी दुरुपयोग नहीं करना है कि ऐसा सोच के नहीं कि मुझे ये हो जाए, ये हो जाए, इसका ये हो जाए। ऐसा करोगे तो ये आपके ऊपर उल्टा प्रभाव डाल सकता है। मैं जिनेन्द्र भगवान को साक्षी मानकर, पार्श्वनाथ दादा को साक्षी मानकर, धर्मेंद्र देव को साक्षी मानकर, पद्मावती माँ को साक्षी मानकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मंत्र मैंने अपने आप के ऊपर ट्राई किया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि काफ़ी टाइम पहले मेरे पास जो स्टॉक पड़ा था, माल पड़ा था, वो क्या निकल नहीं रहा था। तो काफ़ी टाइम से मैं परेशान था कि अगर ये नहीं निकला माल तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो मैंने जब ये मंत्र के बारे में सुना तो मैंने जाप करा था, तो लगभग मैंने 7-8 दिन तक जाप करा था, और ये सोच के करा था कि काश मेरा ये स्टॉक निकल जाए तो मेरा काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो निकल नहीं रहा था। तो एक दिन मैं काफ़ी सेट था, मैं सोचा था कि आज काश आज निकल जाए, पद्मावती माँ को मैं नमोस्तु कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि वो स्टॉक निकल गया, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रहा था। वो माल 80% के प्रॉफिट से निकला, मैं सच बोल रहा हूँ, 80% का प्रॉफिट हुआ मुझे, सब मार्जिन्स को काट के। 80% काफ़ी बड़ी बात होती है, नॉर्मली माल के अंदर 20-30% अपन को मिलता है मार्जिन, लेकिन मेरे को 80% मिला तो मैं काफ़ी खुश हुआ। तो उस दिन मैंने सोचा कि सच में पद्मावती माँ का ये मंत्र काफ़ी, वाकई में मैं क्या बोलूँ अब, तो वाकई में इस मंत्र को अपन को सिद्ध करना पड़ेगा पहले, तो देन अपन को यही करना है। मैंने ये मंत्र अपने मिलने वाले सबको दिया था कि आप भी एक बार जप करके देखिए, आपको भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने सबने भी जप करा था, तो इससे काफ़ी उनको इफेक्ट पड़ा है। वाकई में लोग सब बोलते हैं कि 7 दिन के अंदर उनको
प्रभाव महसूस हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये मंत्र दे, फिर आपको याद करना है संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का नाम भी इस मंत्र में जुड़ा हुआ है। मैंने जिन जिन को ये मंत्र दिया है सबने महसूस कराया इस मंत्र की शक्ति को, वाकई में उनके दिन चेंज हो गए हैं। वो बोलते हैं कि आदि भाई आपने मंत्र दिया है, वाकई में पद्मावती माँ की तो कृपा हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि सबको इस मंत्र का लाभ मिले ताकि हम सब दिगंबर श्वेतंबर एक हो जाए। हम सब श्रावक हैं, हम सब जैन हैं, दिल से बोलिए जैन हैं हम। जय जय जिनेन्द्र।